गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, अभी बज रहे हैं 10:30 हो रहे हैं। तो मम्मी उठ गए थे जल्दी सुबह 8 बजे, क्योंकि हम सुबह में आज हम 4 बजे के सोए हैं सुबह के, क्योंकि पूरी रात भर यहाँ पर थोड़ी बहुत मतलब पार्टी चली थी, तो शराबी लोग थे, तो खाना पीना था, सब कुछ था, तो उससे फ्री होके हम सुबह के 4 बजे सोए हैं। तो मैंने अभी कपड़े भी चेंज किए, तो जैसे मैं उठी हूँ तो खाना गर्म कर दिया था, खाना भिज गया था रात का, तो हमने वही गर्म किया था, चपातियाँ थोड़ी सी मैंने गर्म कर बना दी थी, तो बाकी दाल चावल और सब्जी बचे हुए थे तो वो हमने गर्म कर दिए थे। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ना कपड़े डिप कर रही थी तब तक, तो झाड़ू मम्मी ने लगा दिया था बाहर का, और मैं उसके बाद उठी थी, तो खाना खाने के बाद मैं भी आ गई हूँ मम्मी की हेल्प करने। तो साथ साथ ही मैं गर्म पानी कर रही हूँ, हमाम साइड में चलाया, देखो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो मैंने रात के कपड़े भी चेंज किए हैं, तो अभी मैं सबसे पहले मम्मी के साथ हेल्प करूँगी। मम्मी धो रहे थे, आधे कपड़े मम्मी ने धोए, फिर मैंने सुखाने के लिए डाले साथ साथ, और आधे उसके बाद मैंने धोए और मम्मी ने कुछ और काम किया था। तो इस तरह से आज हमारा पूरा दिन कपड़ों में धोने में गया है। मशीन मैंने इसलिए नहीं चलाई क्योंकि इतने सारे कपड़े थे, कितनी देर तक मशीन चलाऊँगी, इस तरह से हम हाथों से ही धो लेते हैं। शाम के चावल बच गए थे तो उनको मैं धो रही हूँ पानी से, इसमें मैंने एक बाल्टी उड़ेल दी है पानी की, तो इसमें ही मैं इनको दूंगी, क्योंकि धोने से ये होता है इसके दाने दाने अलग हो जाते हैं। तो पहले मैं अच्छे से इनको साफ़ कर लूँगी, फिर हम इनको डालेंगे सुखाने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ही टेस्टी मोड़ी बनती है, मोड़ी हम बोलते हैं। तो इसको सुखा के फिर धूप में अच्छी तरह से, उसके बाद इसकी जो मतलब मोड़ी बनती है ना, तो अभी इसमें आप नमक भी ऐड कर सकते हो तो नमकीन मोड़ी बन जाएगी। तो अभी इसको सुखाने के बाद जब हम मेहमान जाते हैं कहीं, जैसे मैं अपने मायके जाती हूँ कहीं भी, तो पहले ये रिवाज था कि इस तरह के चावल जो बच जाते थे धाम में, शादी ब्याह कोई भी फंक्शन में होते थे, तो उसको सुखा करके रख देते थे, तो ये ख़राब नहीं होते हैं, इस तरह से चावल भी वेस्ट नहीं होते हैं, तो काम में आ जाते हैं। तो इसको फिर जब जाते थे कहीं तो मेहमानों के मतलब मूढ़ी बना के ले जाते थे, तो इसको डिप करने को डालते हैं जैसे गरम गरम तेल में, तो इसके लिए एक अलग सा मतलब बना होता है मूढ़ी बनाने के लिए बर्तन, तो उसमें चावल को उड़ेल देते हैं। कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने लाया हुआ है, तो जब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसको धो धो के फिर सुखाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ नीचे मैंने एक पर्दा बिछा दिया है, साफ जगह है, तो यहाँ पर मैंने बिछा दिया, उसके ऊपर चावल रख दिए सुखाने के लिए, तो थोड़े सूख जाएगी तब मैं इनको धूप में अच्छी तरह से डालूंगी। और यहाँ देखिए पीहू भी लेटी हुई है, क्योंकि हमने आज सारे कपड़े बाहर निकाले हुए हैं धूप में, और मम्मी बैठे हैं, मम्मी कुछ पढ़ रहे थे, तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी है खासी धूप के लिए। और कपड़े जो है हमने बहुत ज़्यादा धोए हैं, जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं, बेडशीट्स हो गए,
जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं, तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितने सारे कपड़े आज हमारे धुले हुए हैं। और उसके बाद देखिए जो कीड़ा बच गया था, तो नमकीन बहुत सारी बची हुई थी, तो मुझे याद आया कि कुछ खाने के लिए बना देते हैं, तो मुझे याद आया कि चाट बना देते, तो वही चाट मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ।